हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। आपको पता है कि पीटी बहुत नज़दीक है और ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है। तो अगर आप इन्वायरमेंट अच्छे से करके जाएं तो आपका पीटी का सिलेक्शन बहुत नज़दीक हो जाएगा और आप पीटी क्वालिफाई कर सकोगे। इसीलिए हमने आज से इन्वायरमेंट का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और ये लगभग मैं 20 लेक्चर्स में इसे कम्प्लीट कर लूँगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पीटी का जो सिलेबस है इन्वायरमेंट का, उसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और ये जो यूपीएससी मेंस है, ये दोनों का लगभग अलग अलग इन्वायरमेंट का सिलेबस है। जो पीटी का में जो पूछने वाला है वो क्या है कि जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात करने वाला है और क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर स्पेशल यहाँ पे फोकस किए हुए यूपीएससी अपने सिलेबस में कि आपको इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मेनली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए पीटी क्लियर करने के लिए इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मेंस की जो चीज़ है, मेंस में जनरली जो फोकस है वो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन, और उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, इस पर ज़्यादा फोकस है मेंस के लिए। आपको पता होगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में इस बार 2020 में भी क्वेश्चन आए हुए थे, और आपको पता है कि अभी जो ड्राफ्ट है नोटिफिकेशन 2020 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, वो भी चर्चा में था। तो जो न्यूज में रहता है उससे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछती है, और साथ में प्रीलिम्स में भी जो न्यूज में होते हैं जिस जो क्षेत्र, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो लेक्चर मेरा डिजाइन करने का जो मोटिव है कि आपको जो यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है उसे समझना, और आप बिल्कुल कवर करीब पहुंच जाए ये गेस करने के लिए कि यूपीएससी इस बार क्या क्वेश्चन पूछने वाली है। और ये जो मैंने नोट्स बनाया है, ये हैंड रिटन आप देख रहे हो कि ये नोट्स है, और ये लगभग मैंने कोशिश किया है कि यूपीएससी के बिल्कुल नज़दीक जाकर ये क्वेश्चन बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है उस पर मैंने फोकस किया है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इस जो नोट्स है इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार 2020 या इसके ऑनवर्ड्स भी जो भी आपके पीटी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएँ। तो आप ये देखिए कि ट्रेंड एनालिसिस मैंने करके देखा है कि पहले मैंने फिगर आउट किया कि कौन से रीजन से, कौन से जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है पीटी में। तो ये मैंने जब इसको डिकोड किया तो आपको ये देख सकोगे आप कि जो टॉपिक्स है, जैसे थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसे जो टॉपिक हो गया इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज, इन पर इससे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मांगता है आपका, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ है एक्ट्स एंड पॉलिसीज से आप बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है, जो भी एक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप ये देखो अभी प्लास्टिक वाला जो अभी नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन, जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज जो बनाए जाते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए। ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स, जैसे आप जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, फिर वो जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है, तो इन सारे से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि इन नेशनल पार्क से कौन सी नदियाँ चल बह रही हैं, या फिर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनके अंतर्गत कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, या फिर कोई स्पीसीज का नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये स्पीसीज कौन से रीजन में, कौन से नेशनल पार्क में डोमिनेंटली पाया जाता है, फ्लोरा एंड फौना वाली बात। उसके बाद जो करंट अफेयर्स जो रिलेटेड या फिर मिसलेनियस है वो भी हम लोग देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स में जो इन सब कैटेगरी में नहीं आता, इनसे हटकर आता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेनली हमने ये जो टॉपिक्स है इसको अलग अलग इस तरह से डिवाइड कर दिया है ताकि ये पढ़ने में बहुत आसान हो जाए। और मैं जब भी ये लेक्चर ये जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, तो इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं उनका नेचर को हम लोग समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। एक मार्केट में एक चीज़ है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो एक शंकर IAS की बुक चलती है इन्वायरमेंट की, जो कि काफ़ी रिलेवेंट माना जाता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है इन्वायरमेंट में पूछने का, क्वेश्चन उनसे भी नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें? तो मेनली हमें जो फोकस करना है कि न्यूज़पेपर जो हिंदू में आते रहते हैं, आर्टिकल या द इंडियन एक्सप्रेस में, और साथ ही साथ कि जो भी मतलब कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जा रही हैं, जो चर्चा में है, उन्हीं सबको बेस बनाकर हमें उनके डीप में जाकर ये समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से हम लोग UPSC के लिए क्या मेल खाता है। और आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने देखिए एक ट्रेंड एनालिसिस किया है कि मेंस में जनरली ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कुल मिला के 25 मार्क्स के मेंस में क्वेश्चन आते हैं जिस पेपर 3 का ये पार्ट है। तो मेंस में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 25 मार्क्स बहुत इनफ होता है मेंस में। अगर जिसने भी मेंस लिखा है वो जानते हैं कि मेंस में 2 क्वेश्चन का मतलब, 25 क्वेश्चन का मतलब बहुत है। मेंस की मैं ट्रेंड एनालिसिस करूं तो ये जो एरियाज हैं, तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनर्जी सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी पर क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रो पावर प्लांट पर क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियर एनर्जी क्वेश्चन पर पूछा गया है। उसके बाद जैसे वाटर बॉडी, वाटर के बारे में, इसकी हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन है ना, रिवर लिंकिंग जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाइड्रोलेक्सिटी, कोस्टल सैंड माइनिंग वगैरह, तो ये सारे से ये वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में जो करंट अफेयर्स हैं जो चर्चा में होते हैं उसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने देखा कि पीटी और मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसी को आधार बनाकर हम आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो आज ये डे फर्स्ट है ना, पहला दिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये देखिए कि हम लोग इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, इकोलॉजी है क्या, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, फिर क्लासिफाई करेंगे इकोसिस्टम को, होमियोस्टेटिस के बारे में जानेंगे कि ये होमियोस्टेटिस है क्या चीज़, इकोटोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है और इस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, नीचे और इसके टाइप्स इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, जैसे कि इंडिविजुअल से स्टार्ट करें तो इंडिविजुअल है ना, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज डे फर्स्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना करें और ढंग से समझें तो आपको बेहतर रूप से ये समझ में आएगा, क्योंकि लगता सिंपल है लेकिन इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से घुमा फिरा के यूपीएससी पेश करती है कि आप उसमें मतलब कि एक तरह से शॉकिंग हो जाता है आपके लिए और आप कहीं ना कहीं गलत कर देते हो। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी होता क्या है, तो देखिए इकोलॉजी जो है वो ओइकोस और लोगिस, लोगोस शब्द से मिलकर बना है जो कि ग्रीक वर्ड है। एक ओइकोस का मतलब होता है होम और प्लेस टू लिव इन, है ना, जहाँ पर वैसा जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको ग्रीक वर्ड ओइकोस बोलते हैं, और लोगोस का मतलब तो आपको पता है कि हम जिस चीज़ की भी स्टडी करते हैं उसमें लोगोस शब्द इस्तेमाल होता है, यानी कि लॉजी शब्द इस्तेमाल होता है। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें इकोलॉजी का, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो होम है ना, नेचर का जो होम है उसे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं लिटरली इट इज़ द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। ठीक है, ये तो लिटरल मीनिंग हुआ। डिफिनेशन इसका हम लोग क्या दे सकते हैं, तो डिफिनेशन में देखिए बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते हैं और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को आप सही मान लेते हैं। देखिए कैसे, इकोलॉजी का फुल डिफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टडी, साथ में साथ ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहा है उसके इंटरेक्शन का भी हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको, दोनों को मिलाकर हम इकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि सिर्फ ये कह देना कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजी, वो पूरा नहीं होगा जब तक आप उसमें ऐड नहीं करोगे कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए आपको मैंने ये डायग्रामेटिक व्यू से मैंने दिखाया है कि ये देखिए जैसे कि मैन में इंटरेक्शन हो रहा है, मैन एंड एनिमल में इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर मैन और इसके सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे ट्रीज है, माउंटेंस हैं, सनरेज है, फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन सबसे जो इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ये दोनों की जब स्टडी करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। होप कि ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। जितना मानव का इतिहास पुराना है उतना ही इकोलॉजी का भी इतिहास पुराना है। मानव अपने शुरुआत से ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ रहा है, और जब वो प्रिमिटिव सोसाइटी में था, जब ये सोसाइटी बिल्डअप नहीं हुए थे, जब वो प्रिमिटिव स्टेज में था, तो आपको पता है कि नेचर से काफ़ी एसोसिएट करके रहता था,
और हम लोग नेचर की वर्शिप करते थे। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप बात कीजिए तो उसमें क्या है कि नेचर की पूजा की जाती थी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया, हम लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से और नेचर से दूर होते गए, और यही वजह है कि आज इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है और हम लोग को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भी साथ में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इट्सेल्फ। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया। जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं या फिलोसफिकल बुक्स हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट को काफ़ी ध्यान दिया गया है उन पर, और उनके अलग अलग चैप्टर्स क्रिएट किए गए हैं। जैसे वेदाज में एक अलग ही चैप्टर है इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे, संहिताज है, ब्राह्मणाज है, आरण्यकियाज है, उपनिषद, इनमें अलग अलग वर्सेस हैं, अलग अलग चैप्टर्स डेडिकेटेड हैं पूरी तरह से नेचर पे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि एक व्यू हो गया कि इकोलॉजी का इतिहास कितना पुराना है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है, दोनों है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है, अब हमने अभी इकोलॉजी पढ़ा, अब देखिए कि इन्वायरमेंट क्या हमें बताता है। तो जितने भी सराउंडिंग में है ना चीज़ें हैं, उसका एक सम टोटल आप निकाल लो तो उस सम टोटल ही इन्वायरमेंट कहलाता है सीधा भाषा में। यानी कि द सम टोटल ऑफ लिविंग, साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है ना, इन्फ्लुएंसेज एंड इवेंट्स, साथ में जो इवेंट्स घट रहे हैं है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये सब भी इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये आपकी इन्वायरमेंट की डिफिनेशन है, यानी कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स, साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, साथ में जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसेस है जैसे क्लाइमेटिक चेंज, ये सारे जो कंपोनेंट्स है, अगर हम उसको एक सम टोटल कर लें, सारे को जोड़ लें, तो वही इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि एवरीथिंग सराउंड्स यू इज नोन एज इन्वायरमेंट। ठीक है, आप समझने के लिए आप ये देख लें कि जैसे कि ये आप हैं और इसके सराउंडिंग में है ना जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रीज है, एनिमल्स हैं, क्लाउड्स हैं, सनलाइट है ना, ये सारी चीज़ें सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इसका कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग रखते हैं, जैसे कि ट्रीज हो गए, मैन इटसेल्फ है ना, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कीजिए तो वाटर है, सन रेडिएशन है, टोपोग्राफी है यानी कि किस तरह से लैंड है, वहाँ पे माउंटेंस है, प्लेटूज है, ये सब सारी चीज़ें, ग्रेविटी है, सोयल है, जियोलॉजिकल सबस्टेटम है, फायर है, टेम्परेचर है, हीट फ्लो है, विंड्स है, उसके बाद यहाँ तक कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी बात करते हैं, ये सब कौन से कंपोनेंट है, ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स किसी न किसी तरह से वहाँ की इन्वायरमेंट के एक खास लोकेशन की इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है वो कभी स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ लो कि इन्वायरमेंट एक लिविंग चीज़ है, वो हमेशा एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहीं से क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो कभी स्टैटिक नहीं है, है ना। बोथ बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो सब इन मूवमेंट है, वो फ्लक्स में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर फिश का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिश का है एग्जाम्पल। इसके सराउंडिंग में आप देखिए कि दो तरह के इन्वायरमेंट हैं, सराउंडिंग में इसके जो बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश, और उसके जो इंटरनल में एक इन्वायरमेंट है। जैसे कि इंटरनल की बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, उसकी बॉडी टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, उसके जो अंदर में जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के इन्वायरमेंट है और ये दोनों ही फ्लक्स में है, यानी कि मूवमेंट में है, दोनों स्टैटिक नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोला जा सकता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा मूवेबल है, ज़्यादा वो फ्लक्स में है बजाय इंटरनल इन्वायरमेंट का। यानी कि ये यूँ कह लें कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है जो फिश का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ फिश इज रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, क्योंकि इंटरनली ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, उतनी फ्लुएंट चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अब देखिए 2015 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया एक, आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से आपको UPSC कन्फ्यूज करता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम। अभी मैंने आपको इकोसिस्टम बताया नहीं है, अभी मैंने आपको सिर्फ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बताया है। इकोसिस्टम अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, लेकिन क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है इकोसिस्टम को। पहला ऑप्शन है कि अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डेट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द ज्योग्राफिकल एरियाज, क्या इसको इकोसिस्टम बोलेंगे। हुआ क्या था 2015 के प्रीलिम्स में कि सबसे पहले लोगों ने जो ए ऑप्शन पढ़ा, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, और ये एक तरह से इकोसिस्टम की डिफिनीशन है, ठीक है, और इसको लोगों ने सही कर दिया। लेकिन दैट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। सेकंड जो था दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो क्या इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म से रहता है, है ना, ये कहना गलत है, ठीक। थर्ड है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, एंड दिस स्टेटमेंट वाज दिस ऑप्शन वाज करेक्ट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, उसके जो इन्वायरमेंट है दोनों को साथ लेंगे, है ना, उनमें जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे, जो कि अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इकोसिस्टम का डिफिनीशन क्या है, इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का, ठीक है, एक तो ये फंक्शन में है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट एमंग देम सेल्फ, ठीक है, आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट इकोसिस्टम का डिफिनेशन बनता है कि हाँ वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अपने आप में इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्वायरमेंट से भी इंट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट फिर से पढ़िए 2015 प्रीलिम्स का। पहला स्टेटमेंट था अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्टिंग विद वन अनदर, मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट था, लेकिन बुक्स में ज़्यादातर यही दे रखा है डेफिनेशन, जो कि आप स्टैंडर्ड बुक उठाते हो, लेकिन जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये डेफिनेशन, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट भी ऐड कर दिया तो हम ये बोलेंगे कि ये इकोसिस्टम है, ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन में भी दिया गया था कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम बट दिस इज नॉट द बेस्ट, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन करने का जो मोटिव होता है ये नहीं होता कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बल्कि मोटिव ये होता है कि उसके नेचर को आप समझें, ठीक है। अब देखिए हमने आपको इकोलॉजी बताया, इन्वायरमेंट बताया और इकोसिस्टम बताया। आपको नहीं लगता है कि ये तीनों स्टेटमेंट, आप जो तीनों का डेफिनेशन है, ये थ्री इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, आपस में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि तीनों एक ही से लग रहे हैं, तीनों में ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन हो रहा है, तीनों में, जैसे कि इन्वायरमेंट में हमने बोला कि सम टोटल, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये भी बेचारा काफ़ी कन्फ्यूजन में है, इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग, इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम लुक्स द सेम, ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे ये पिक्टोरियल व्यू करके और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ मैं यहाँ पर, कि देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग हो गए या फिर लिविंग थिंग हो गए, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म या फिर उसके सराउंडिंग में जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। तो ये इंट्रैक्शन शब्द के याद रखिए, उसको इकोसिस्टम बोलेंगे, अगर इंट्रैक्शन सिर्फ हम लोग देख रहे हैं तो। अब जब ये इंट्रैक्शन की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जब हम स्टडी इस इंट्रैक्शन की करेंगे तो वो इकोलॉजी बोला जाएगा। जबकि इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये सारे का जो सम टोटल हम लोग निकालेंगे वो इन्वायरमेंट होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जब इंट्रैक्शन बोलेंगे तो इकोसिस्टम है, जब हम उस इंट्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो इकोलॉजी है, और जब हम इन सारे का सब टोटल करके एक जगह रख दे रहे हैं, एक गठरी मानकर, मान लो कि ये सारे का सब चीज़ों का एक गठरी बना लो, ठीक है, पोटली बना लो, एक जगह रख दो, तो उसको क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। अब होप कि आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब जो भी इकोसिस्टम है इसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, फिशेस, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सोयल, पीपल, यानी कि जिस तरह से हमने इन्वायरमेंट पढ़ा था उसी तरह से इकोसिस्टम के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक।
इकोसिस्टम बहुत लार्ज भी हो सकता है और बहुत स्मॉल भी हो सकता है। इट कैन बी लार्ज और एज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जितना बड़ा हो सकता है ना, ओशन जितना बड़ा हो सकता है, या फिर एज स्मॉल एज एक ट्री भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उस एक सिंगल ट्रीज पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे होंगे आपस में, जैसे कि बहुत सारी वहाँ पे बर्ड्स रह रहे होंगे उस ट्रीज पर, या बर्ड्स साथ में साथ इंसेक्ट्स भी होंगे, तो बर्ड्स आर इंटरेक्टिंग विद द इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, और साथ में वो ट्रीज उनको शेल्टर दे रहा है, तो इन सब का जो चीज़ें जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक ट्री भी क्या करेगा, एक सिंगल ट्री भी एक इकोसिस्टम को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया, हमने सारी बातें कर ली। अब देखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग, हमने देखा वो इन्वायरमेंट हमने उसको बोला सम टोटल को, तो उन इन्वायरमेंट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज टू द एबायोटिक फैक्टर्स। हमने बायोटिक फैक्टर्स देखे थे जो जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा था, लिविंग थिंग्स को रखा था, और अब हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे जिसमें सनलाइट वगैरह ये सब था, लेकिन अब इन इनसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इनके प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों का दिन है ना, आप जानते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर मान लीजिए कि 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक है, आप अपने कमरे के अंदर हो, कैमरा मुँह से निकल रहा है, आप अपने रूम में हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एसी चला देते हो, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, जो रिस्पॉन्स है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए के प्रति जो रिस्पॉन्स है, जो सनलाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स है, जो हीट के प्रति जो रिस्पॉन्स है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है आउटसाइड द रूम, उसको आप किस तरह से रेगुलेट कर रहे हो, तो आप अपने रूम में जाकर एसी चला रहे हो और अपने टेम्परेचर को एक तरह से मेंटेन कर रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरह से जब कोल्ड होगा, तो मान लीजिए कि आउटसाइड टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हीटर चला दोगे और अपना एक तरह से जो इन्वायरमेंट था, जो कि टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से इन्वायरमेंट में जो भी क्रिएचर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसी तरह से अपने टेम्परेचर, अपने जो फिजिकल कंडीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। नेचर इट्सेल्फ अपने कंडीशन को रिटेन करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि नेचर अपने होम्योस्टेसिस को फॉलो करता है, तो यही चीज़ है होम्योस्टेसिस, कि आइडियली ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन कॉन्स्टेंटली ऑफ दियर इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसी प्रोसेस को कहेंगे हम होम्योस्टेसिस। या फिर इसका नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो भी इकोसिस्टम है आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग दियर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दे कैन रेगुलेट दियर ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर फंक्शनल प्रोसेस। ये जो कैपेसिटी है इकोसिस्टम जो कि अपनी सेल्फ रेगुलेट कर पाए, उसी को हम लोग कहेंगे होम्योस्टेसिस। ठीक है, यानी कि अपनी जो कंडीशन है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, जो प्रोसेस है, जो रेगुलेशन करने की जो उसकी कैपेसिटी है, उसी को हम लोग कहेंगे होम्योस्टेसिस। होप कि आपको होम्योस्टेसिस क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था, अब हम लोग तो मनुष्य हैं, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली, एसी बना लिया, हीटर बना लिया, तो उस तरह से हम लोग अपने आप को रेगुलेट कर ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो पुअर है ना, जो पुअर पीपल हैं, वो तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, हीटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं, वो अपने एनवायरमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए, रिच हो या पुअर, ठीक है, उनकी बॉडी टेम्परेचर अपने आप में रेगुलेट करती है। जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर अगर मान लीजिए 45 भी हो जाता है, फिर भी आपकी जो बॉडी की जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो 37 डिग्री सेल्सियस उतना ही रहेगा। ठीक है, या फिर आप बोले 97 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, तो 97 डिग्री फारेनहाइट पर ही आपकी बॉडी अपने आप में रेगुलेट करके उतनी टेम्परेचर कर लेती है। अब उसको रेगुलेट करने के लिए करता क्या है बॉडी, तो आप देखते होंगे गर्मियों में क्या कहता है, बॉडी ना स्वेट करने लगती है, पसीने आने लगते हैं आपको, तो पसीने के कारण फिर क्या होता है, जब वो पसीना आता है और वो पसीना इवोपरेट होता है, तो आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ हैं और थोड़ी सी ठंडी एक हवा चले, चाहे वो गर्म हुई हवा क्यों ना हो, तो आपको ठंडक महसूस होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग का जो है वो इवोपरेशन हो रहा है, और बॉडी इसी तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रही है। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं इसी तरह से, इनका एक फिजियोलॉजिकल या फिर आप बोल लें कि बिहेवियरल
एक फिनो ये करने का रेगुलेट करने का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर्स। तो सम जो मैमल्स हैं जैसे कि अपने बॉडी को रेगुलेट कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, इसमें जितने भी बर्ड्स हैं मैमल्स हैं, ठीक है, और कुछ लोअर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो भी, और इनवर्टिब्रेट स्पेसिस भी आ जाते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, कन्फर्मर्स। ठीक है, तो जो कन्फर्मर्स हैं वो क्या करते हैं, 99% जो एनिमल्स हैं ना वो कन्फर्मर्स ही हैं। वो कन्फर्मर्स कहने का मतलब ही है, अगर आप इसको टर्मिनोलॉजी पर जाओगे तो अपने बॉडी टेम्परेचर को कन्फर्म कर रहे हैं, एसर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बॉडी टेम्परेचर राइज होगा तो वो भी उसी तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे। हमारे में क्या था कि हम बॉडी टेम्परेचर हर एक कंडीशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस ही है, अनलेस कि आपको फीवर ना हो। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अपनी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। अपनी जो बॉडी टेम्परेचर है या फिर कोई उनकी फ्लूडिटी है अंदर बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको उसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, उसी तरह से कन्फर्म कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कन्फर्मर्स में थर्मो रेगुलेशन नहीं हो रहा है, आपने देखा, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर उस अनुसार चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिए कि जनरली जो स्पीसीज हैं जो ये 99% ऑफ द एनिमल्स, उनमें क्या होता है कि उनकी जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है ना, सरफेस एरिया लार्जर है, लार्जर सरफेस एरिया है रिलेटिव टू वॉल्यूम। अब इससे होता क्या है कि आपको पता होगा कि जो इवोपरेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि एनर्जी की जो फ्लो है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, एनर्जी फ्लो फास्ट होगा। तो समझिए कि उतनी बड़ी सरफेस एरिया को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको हीट एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा अपने ही बॉडी टेम्परेचर को अपने ही मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से वो क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे कि स्मॉल बर्ड्स लाइक ह्यूमिंग बर्ड्स है ना, ये थर्मो रेगुलेट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि ये भी ना कर पाए कोई, तो और क्या कर सकता है, और कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है ये बायोटिक कंपोनेंट से, तो माइग्रेट करते हैं। हम लोग भी वैसे करते हैं, ये हमारा भी बिहेवियर है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में हैं फॉर एग्जांपल, और दिल्ली में टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, राजस्थान के चूरू में 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, दार्जिलिंग चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिलेटिवली कूलर प्लेसेस पे चले जाएंगे, तो इसी को बोलेंगे माइग्रेट करना, है ना, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हैबिटेट से वो हॉस्पिटेबल एरिया में पहुँच जाते हैं, और फिर जब वापस यहाँ पर कंडीशन सही हो जाती है तो वो वापस रिटर्न हो जाते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखा जाता है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ठीक है, वो क्या होता है कि विंटर के दिनों में जो राजस्थान का केवला देव नेशनल पार्क है उसमें आ जाते हैं माइग्रेट करके, और उनको माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है कि कुछ टाइम के लिए अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा तो वो मतलब कि उसी में उनकी एनर्जी बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ये देखिए, ये सारे जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लीजिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि UPSC जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये एग्जाम्पल्स डालेगी, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, शायद साथ में एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो सस्पेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, तो वो है जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, लोअर प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए कि कैसे कर रहा है, तो ये क्या है ना कि एक तरह से ये लेयर बना लेता है। ठीक है, ये जो फंगस है ये तरह से लेयर बना लिया, ये पोर्स डेवलप कर लिया, अब इन पोर्स के अंदर ही ये है, तो इनको टेम्परेचर के बाहर के इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ साथ जैसे कि सीड्स ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, हिंदी में बोले तो उसको सुप्ता अवस्था बोलते हैं। उस टाइम पर आप उस जो सीड्स को आप जर्मिनेट करना चाहें उस टाइम पर नहीं होगा वो,
क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी को ना कंजर्व करके अंदर रख लिया है, ठीक है, उसको वो लॉस नहीं होने देगा। उसी तरह से कुछ मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो स्केप कर जाते हैं टाइम में, कहने का मतलब है जैसे कि बियर्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, बैट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बियर है फॉर एग्जांपल, वो हाइबर विंटर के सीजन में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और उस टाइम पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, एकदम से सोते ही रहते हैं, ठीक है। उसका एक एक्सेप्शन है कि जो फीमेल बियर्स होते हैं वो कभी कभी यानी कि 2-3 महीने के बीच में ऐसे कुछ एक टाइम इंटरवल में फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, बीच बीच में उठते हैं, किस लिए, वो अपने जो यंग वंस है उसको फीड करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेल बियर है वो हाइबरनेशन में वो कम्प्लीटली चला जाता है, वो बीच में उठता नहीं है, ठीक है। उसी तरह से स्नेल्स हैं, फिशेस हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हाइबरनेशन बोला गया बियर्स में, इसको बोला जाता है एस्टिवेशन, और ये ड्यूरिंग द समर करता है। समर में आप देखते होगे कि जमीन के खोद के अंदर चला जाता है फिशेस, है ना, फ्रॉक्स हो गए, तो वो आप उस समय आप देखोगे विलेजेस में आपने गए होगे तो लोग ना जमीन को खोदते हैं, खोद के देखते हैं तो वहाँ पे मछलियाँ उनको मिलती हैं, तालाब सूख जाते हैं फिर भी, तो वो उसी को बोलते हैं कि वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। जू प्लैंकटोन्स हैं, इसमें डायापॉज आता है, ठीक है, ये भी इस तरह से एक टाइप का सस्पेंशन ही है। तो जू प्लैंकटोन्स में डायापॉज, ठीक है, स्नेल्स एंड फिशेस में एस्टिवेशन, ये टर्मोलॉजी आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। बियर्स में हाइबरनेशन, बियर्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ठीक है, रोडेंट्स, बैट्स, तो ये हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है। सीड्स में आपको, प्लांट्स में मैंने बोला है डोरमेंसी, और जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या करते हैं, थिक लेयर ऑफ पोर्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, कि होप क्लियर हो गया होगा बात। यही 2014 में इसी पे क्वेश्चन पूछा था, आप ये देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग, बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स, द फेनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द एबव काइंड ऑफ एनिमल्स, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, हाइबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एनी ऑफ द एबव। अभी आपको मैंने बताया कि ये तीनों में, बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स, ये तीनों में हाइबरनेशन देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन सी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट है कि अब ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, माइग्रेट हो गया, सस्पेंशन हो गया, रेगुलेशन हो गया, कन्फर्म हो गया, इसके अलावा और क्या कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो एडप्ट कर लेता है उस इन्वायरमेंट के प्रति, अपने आप को एडप्ट कर लेता है। जैसे कि आप डेजर्ट्स प्लांट्स देखोगे, डेजर्ट्स प्लांट्स क्या है, वहाँ पर क्या है कि वाटर की कमी है, तो वो क्या करेंगे, वाटर कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि वो लीफ जनरली या तो टाइनी लीव्स होते हैं या बिल्कुल लीव्स नहीं होते हैं, वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिक लेयर ऑफ स्टेम में, थिक स्टेम में, या फिर थॉर्न्स बन जाते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर पाए, ठीक है। तो हम लोग एडेप्टेशन को अगर डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन हैबिटेट्स, ठीक। जैसे कंगारू रेट है, नॉर्थ अमेरिका के जो डेजर्ट है वहाँ पे कंगारू रेट पाया जाता है, वो बहुत दिनों तक ना बिना पानी पिए ही जिंदा रह सकता है, तो वो क्या करता है, इसके लिए वो क्या करता है कि जो वो पानी की उस समय रिक्वायरमेंट की कैसे पूरी पूर्ति करता है, तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करता है, ठीक है, उसमें जो भी फैट जो स्टोर किए हुए रहता है उस फैट का जो ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसको ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, वाटर H2O उसको बॉडी को मिल जाती है, साथ ही वो क्या करता है, अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये एडप्टेशन है, उसमें उसने इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को उस तरह से एडप्ट कर लिया है। डेजर्ट्स प्लांट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि या तो कोई लीव्स नहीं होते, या तो थॉर्न्स बन जाते हैं, या तो वैक्सी और थिक लीव्स हो जाते हैं जैसे कि एलोवेरा, ठीक है, तो ये सारे हो गए। फिर या तो फिर वो अपने एस्टोमेटा है उसको संकेन कर लेते हैं, एस्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, एस्टोमेटा जब भी ओपन होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक। ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग देखें तो पोलर रीजन में एडप्टेशन क्या होता है कि वो थिक लेयर ऑफ स्किन ये करते हैं ताकि जो कूलर जो टेम्परेचर है उनको प्रभावित ना करे, ठीक है। शॉर्ट ईयर्स होते हैं जो पोलर रीजन में, ताकि जो जितना सरफेस एरिया ये ईयर्स का कम होगा उतना ही कम रेट से हीट फ्लो होगा, तो समझिए कि कितना अच्छा एडप्टेशन है ये, है ना। हाई अल्टीट्यूड्स की बात करें तो हाई अल्टीट्यूड्स पर अगर हम लोग जाते हैं, जैसे कि हमारे सेना वहाँ पर रहती हैं, ठीक है, हमारे लिए ही, तो उनमें क्या देखा जाता है कि उनकी कुछ दिनों के बाद ना उनकी बॉडी में RBC काउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है,
तो ये ऑक्सीजन की कमी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है कि वो आरबीसी जो सेल्स हैं उसको बढ़ा देती है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी सेल्स जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो अगर नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ गए तो वो उतना ही ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। कितना अच्छा है अडॉप्टेशन हमारी बॉडी का, बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, अगर आप इसको नेचुरली छोड़ दें ये कुछ भी कर सकती है अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 2018 और 2013, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2013 में क्वेश्चन, 2018 में भी पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। ठीक है, ये पूछा गया था। हार्ड एंड वैक्सी लीफ, अभी मैंने आपको बताया, दिस वन इज करेक्ट। टाइनी लीव्स, छोटे हो जाते हैं लीव्स, सही है। थॉर्न्स, सही है, यानी कि 1, 2 और 3 वॉज द राइट आंसर। तो ये तो हमने मोटा मोटी सारी बातें कर ली। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टेरिस्टेरियल और एक है एक्वेटिक। ठीक है, टेरिस्टेरियल में जैसे फॉरेस्ट आ गए, ग्रासलैंड्स आ गया, डेजर्ट्स है, ये सारे टेरिस्टेरियल में आ गए, यानी कि जो लैंड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है उसको हम लोग टेरिस्टेरियल बोलेंगे, जो वाटर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है उसको हम लोग एक्वेटिक बोलेंगे, जिसमें आपका फ्रेश वाटर आ गया, सलाइन वाटर आ गया, मैरीन वाटर्स आ गए। ठीक, इसी में एक टर्मोलॉजी आता है इकोटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोटोन क्या कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र, वैसा रीजन जो कि दो इकोसिस्टम को कंबाइन कर रहा हो, यानी कि दो इकोसिस्टम के जो बीच की जो रीजन होते हैं उसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये दोनों के बीच में जो ये रीजन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर कि जो इकोटोन है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है। पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि इकोटोन का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होता है, तो लैंड और ओशन के बीच में आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, उड़ीसा से लेकर वहाँ बांग्लादेश तक ये फैला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रासलैंड्स हो गए, एस्चुरीज हो गए, रिवर बैंक्स हो गए, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं आपके इकोटोन के, क्योंकि ये दो इकोसिस्टम को सेपरेट कर रहा है या दो इकोसिस्टम को लिंक कर रहा है। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो ये बहुत ही नैरो भी हो सकते हैं, साथ साथ बहुत वाइड भी हो सकते हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक है कि ये दोनों का ही आपको, ये जो इकोसिस्टम है, ये दो फर्स्ट इकोसिस्टम, ये सेकेंड इकोसिस्टम, ये दोनों की करेक्टरिस्टिक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ टेंशन। क्यों जोन ऑफ टेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेच है, ये दोनों की कंडीशन यहाँ पर होती है। तो जहाँ भी आप स्ट्रेच देखिए, स्ट्रिंग में आप स्ट्रेच करते हो तो उसको टेंशन पैदा होता है, तो यही चीज़ें, ये स्ट्रेच्ड फॉर्म है दोनों इकोसिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कंडीशन दोनों का कंडीशन मिलेगा, और इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। तो आप इस टर्मोलॉजी से कभी घबराए नहीं, जोन ऑफ टेंशन जहाँ दिया हुआ है यानी इकोटोन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पीसीज आपको दिखाई देंगे कि एक इकोसिस्टम से जो स्पीसीज, इन स्पीसीज से कुछ स्पीसीज आ रही होंगी यहाँ से और कुछ स्पीसीज यहाँ से जा रही होंगी, तो आपको दोनों टाइप की स्पीसीज दिखाई देंगे, इन स्पीसीज एंड आउटगोइंग स्पीसीज। जो वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम है ना, जो वेल डेवलप्ड इकोटोन है, सॉरी, उसमें क्या है ना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको इंटायरली डिफरेंट भी मिलेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो देखो इकोसिस्टम जो है ना, एक अलग तरह का इकोटोन जो है, एक अलग तरह का इकोसिस्टम ही डेवलप कर रहा है, यानी कि वहाँ पे एक लिविंग कंडीशन सेल्फ में डेवलप हो जा रही है, जो कि यहाँ पे दोनों कंडीशन को मिलाकर है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था, तो कुछ कंडीशन ऐसे होंगे कि जहाँ पे इस कंडीशन में ये जो पार्टिकुलर कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए काफ़ी वो फेवरेबल होगा, तो वो फेवरेबल होने के कारण कुछ स्पेसिस आपको ऐसे दिखाई दे सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखाई दे सकते हैं कि जो इंटायरली डिफरेंट है, जो कि ना ही इस इकोसिस्टम में पाया जा रहा है, ना ही इस इकोसिस्टम में पाया जा रहा है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एज इफेक्ट और एज स्पेसिस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एज स्पेसिस या एज इफेक्ट हम उसे बोलेंगे कि कभी क्या होता है कि जो ये क्या है कि इकोटोन वाला ये क्षेत्र है, ये फर्स्ट कम्युनिटी है, ये सेकेंड कम्युनिटी है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन डेंसिटी ये दोनों से ग्रेटर हो गया। ठीक है,
अब ये ग्रेटर हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एज इफेक्ट कहेंगे। यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर प्राइमरली और मोर एबेंडेंटली इन द जोन आर नोन एज एज स्पीसीज। और जो भी इस जोन में जो स्पीसीज ज़्यादा अमाउंट में या डोमिनेंट करेंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज स्पीसीज कहेंगे। और एज इफेक्ट तो आपको पता ही चल गया होगा कि एज इफेक्ट किसके कहेंगे। एज इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही कम्युनिटी से कुछ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, ये जो इफेक्ट है इसी को क्या कहेंगे, एज इफेक्ट कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं कि जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है और एक तरफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पे क्या होगा, आपको मिक्स्ड हैबिटेट मिलेगा। इस मिक्स्ड हैबिटेट में ना सबसे ज़्यादा क्या होती है, बर्ड्स पाई जाती हैं। तो ये जो नंबर ऑफ बर्ड्स क्या है, ये दोनों ही फॉरेस्ट से भी और डेजर्ट से भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे, इसी को कहेंगे एज इफेक्ट। और ये जो बर्ड की स्पीसीज जो है वो एज स्पीसीज बोली जाएगी। होप कि क्लियर हो गया होगा, इकोटोन, ठीक है, और एज स्पीसीज एंड एज इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे, ये एग्जाम में पूछा गया है। नीचे देखिए, नीचे कहने का मतलब क्या है कि अगर मोटा मोटी अगर हम मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, बाकी तो डेफिनेशन लिखा ही हुआ है, समझने के लिए आप समझिए कि किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, क्या है कि कोई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक पार्टिकुलर हैबिटेट है, वो उसी हैबिटेट में कंफर्टेबली रह सकता है, उसी हैबिटेट में वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकुलरली लिविंग कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज करना चाहिए उसे, और वो अपने फंक्शन को हेल्दी रूप से कर पाए। फॉर एग्जांपल फंक्शन कैसे, जैसे कि रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना, उसमें अपने खाना खा पाए, प्रे कर पाए, प्रे मतलब कि वो शिकार कर पाए, तो ये भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हर एक स्पीसीज के लिए ना यूनिक होती है, और ये यूनिकनेस ही बोले, ये जो यूनिक चीज़ होती है, ये कंडीशन होती है, इसी को हम लोग नीचे कहते हैं, ठीक है। ये आप सरल भाषा में समझ जाइए। बुक के डिफिनेशन क्या है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन, अभी मैंने बताया कि एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन है, दैट इट कैन टॉलरेट, है ना, मैक्सिमम जिसको वो टॉलरेट कर पा सकता है, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, है ना, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा, जैसे कि वहाँ पे उसके खाने की जो चीज़ें होंगी उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइजेज द नीचे, ये तीनों होनी चाहिए नीचे में, उसी को हम लोग नीचे कहेंगे। और हर एक स्पीसीज का, किसी भी दो स्पीसीज का सेम नीचे कभी नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, हर एक स्पीसीज का अलग अलग नीचे होता है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्पीसीज का जब अलग नीचे है, अगर हम उसको ढंग से स्टडी कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर स्पीसीज किस नीचे में रह सकता है, उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसके कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी चीता रीइंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, अफ्रीका से हम लोग अफ्रीकन चीता मंगा रहे हैं, और उसको हम लोग कुनू नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, उसमें रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले उसकी स्टडी की गई नीचे, कि वो नीचे उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं, क्योंकि चीता की एक पार्टिकुलर नीचे होगी। तो अगर वहाँ पे वो नीचे फॉर्म हो रही है, यानी नीचे कहने का मतलब कि लिविंग कंडीशन हो उसका, उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हो, और साथ में उसके फंक्शनल रोल करने के लिए जगह हो, अगर ये तीनों है तो वहाँ पे कंजर्वेशन हो सकता है। और इसलिए कुनू नेशनल पार्क में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। होप नवंबर और दिसंबर में 12 जो जोड़े हैं चीता के वो लाए जाएँ कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है उसके कंजर्वेशन के लिए। UPSC प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीचे, हैबिटेट, होम रेंज। आंसर इज इकोलॉजिकल नीचे, मैंने क्या बोला, दिस इज अ फंक्शनल रोल, ठीक है। तो ये ना ही सिर्फ ये कि फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, बल्कि ये एक फंक्शनल रोल है, ठीक। टाइप्स ऑफ नीचे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीचे, जैसे कि हैबिटेट नीचे, फूड नीचे, रिप्रोडक्टिव नीचे, फिजिकल एंड केमिकल नीचे। नीचे कहने का मतलब क्या, हैबिटेट नीचे कि एक पार्टिकुलर उसकी कंडीशन होगी हैबिटेट की, पार्टिकुलर फूड्स होंगे, है ना, रिप्रोडक्टिव नीचे जो जिसमें इन्वायरमेंट वो रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना, फिजिकल और केमिकल नीचे, ठीक है। ये अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीचे, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें कर ली। अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी, कौन कौन से लेवल्स हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा।
पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल हम किसे कहेंगे, तो एक पार्टिकुलर, एक सिंगल जो व्यक्ति है, सिंगल कोई भी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल कहेंगे। इंडिविजुअल की जब भी हम बात करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जैसे कि हम लोग बर्थ और डेथ की बात करते हैं इंडिविजुअल्स में। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है, ध्यान देने की बात है कि पॉपुलेशन में सेम ऑर्गेनिज्म के, है ना, सेम स्पीसीज के एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, सेम स्पीसीज के। ये नहीं कि आदमी को भी रख दो उसमें, जानवर को भी रख दो, आप बोलो कि ये उसका पॉपुलेशन है, नहीं, आदमी है तो सिर्फ आदमी है, उसके ग्रुप ऑफ जो मैन होंगे, ठीक है, उसी को हम कहेंगे कि दिस वन इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और पॉपुलेशन ऑफ मैन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, एक्चुअल ग्रोथ में भी एक्चुअल और नेचुरल ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बर्थ और डेथ नहीं बात करते, बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं। इनकी डिफिनेशन अगर आपको जाननी है तो हमारा जो ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वहाँ पर आप जब देखिए तो आपको इसके डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वहाँ पर मैंने अच्छे से इसको बताया है। ये तो हो गया। अब पॉपुलेशन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि दो स्पीसीज आपस में कैसे इंट्रैक्ट करता है, है ना, उसके बिहा पर हम लोग डिफरेंट कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्पीसीज ए है, है ना, कुछ ऐसा इंट्रैक्शन हो कि दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, स्पीसीज ए को भी फायदा हो रहा हो और स्पीसीज बी को भी फायदा हो रहा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों को घाटा हो रहा हो उस इंट्रैक्शन से, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपटीशन। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट में चीता भी है, कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस है, और वहाँ पर एशियाटिक लायन भी है, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का लगभग जो शिकार होगा वो सेम होगा, तो दोनों कंपीट कर पाए, कंपीट करेंगे एक दूसरे के लिए। उससे क्या होगा कि जो स्पीसीज है जिस पे वो प्रे करते हैं वो उनकी तादाद घटेगी और ये दोनों को ही नुकसान होगा, तो ये कहेंगे हम लोग कंपटीशन। नेक्स्ट है कि स्पीसीज ए को तो फायदा हो रहा हो लेकिन स्पीसीज बी को नुकसान हो रहा हो, उसको कहेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि शेर है, ठीक है, अब शेर तो, शेर और हिरन, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या होगा, जो लायन है वो जो डियर को क्या करेगा, खा जाएगा, तो भाई इसका तो क्या है कि वो फूड इसको मिल गया, लेकिन डियर का क्या है, इसको तो लॉस हुआ, इसकी ज़िंदगी चली गई बेचारे की, तो इसको कहेंगे हम लोग प्रीडेशन। नेक्स्ट है कि एक को, नेक्स्ट फिर भी एक और है कि जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा हो, और इसको हम लोग पैरासिटिज्म बोलते हैं। पैरासिटिज्म प्रीडेशन से अलग है, कैसे अलग है, प्रीडेशन में हम लोग बोला कि ये सीधे इसको किल कर रहा है और उसको खा रहा है, इसको ही भोजन बना रहा है, लेकिन जो पैरासाइट्स होता है वो अपने होस्ट पे वो लिव ऑन करता है और होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, यानी कि जब तक होस्ट जीवित है तब तक ही वो पैरासाइट जीवित है, अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी का वजूद कुछ नहीं रह पाएगा, तो उसको हम लोग पैरासाइटिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक को तो फायदा हो रहा हो लेकिन दूसरे को कोई नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कमेंसलिज्म। और अंतिम जो है कि एक को नुकसान तो हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एमेंसलिज्म। आपको मैंने प्रेडेशन बता दिया था, ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे डायनासोर ने क्या किया कि भाई कि जो भी मतलब कि चीज़ें हैं, एक थ्योरी ये कहती है कि उनकी जो भी अवेलेबल चीज़ें थी खाने को वो सारे को चट कर गए, उसके बाद कोई खाने की चीज़ें नहीं बची, तभी वो क्या हो गए, वाइप्ड आउट कर दिए गए नेचर के द्वारा। बोला जाता है टू इफिशियंट प्रीडेटर्स आर नॉट डिजायर्ड। क्यों नहीं डिजायर्ड है, अगर बहुत ज़्यादा इफिशियंट होगा तो दूसरे के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे के लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, साथ ही साथ उसको भी नुकसान होगा क्योंकि वो मोर इफिशियंटली प्रे कर रहा है, अपने लिए शिकार कर रहा है, तो बहुत जल्दी ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसके खाने की चीज़ें। इन्वेसिव स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज ग्रो फास्टर ड्यू टू द लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स। अब प्रीडेटर्स का एक इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर प्रीडेटर्स रहते हैं तो जो भी है वहाँ पे उसको क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन को चेक करते रहते हैं, इसलिए जब कोई इन्वेसिव स्पीसीज आता है किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए कोई प्रीडेटर्स मौजूद नहीं है। इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका से हमारे यहाँ फ्लोरा की बात मैं बोल रहा हूँ, कैरेट ग्रास आया, गेहूं के साथ मिक्सअप करके यहाँ पर आ गया था, आप देखोगे सड़क के किनारे आपको
कैरोट ग्रास मिलेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव स्पीसीज है और हमारे जो यहाँ नेटिव स्पीसीज है उसके लिए खतरा है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो नेटिव स्पीसीज है उसके रिसोर्सेज वो सोख लेते हैं और उनके लिए कोई प्रीडेटर्स नहीं है, खाने वाली चीज कोई जानवर नहीं है। आप देखोगे कि गाय भी उस घास से भागती है, नहीं खाती है उसको। तो वो क्या कर रहा है कि वो एकदम ही अनकंट्रोल रूप से वो ग्रो होंगी। तो इसलिए प्रीडेटर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कंपटीशन मैंने आपको बताया था, क्लोजली रिलेटेड और अनरिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर द कॉमन रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बताया था चीता और लायन का एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म, मैंने अभी बताया था कि एक होस्ट होता है जिसपे पैरासाइट रहता है। अब ये पैरासाइट ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। जैसे एक्टो पैरासाइट्स है ना, ये क्या है कि जो बाहरी जो एनवायरनमेंट है उस पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो जुएं होती हैं आपके सर में, जो अगर जुएं होंगे तो आपको पता होगा कि जो लाइस ऑन द ह्यूमन है ना, वो क्या कर रही हैं, जुएं क्या कर रही हैं आपसे, वो जो या तो वो ब्लड ले रही हैं, वो आप मतलब कि दे लिव ऑन योर हेयर्स और वो आपसे न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं ने। और दूसरा एग्जांपल क्या है, टिक्स ऑन द डॉग्स, टिक्स भी एक तरह से पैरासाइट है जो डॉग्स पे रहते हैं। इंडो पैरासाइट्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि लीवर फ्लूक, ठीक है, वो एग्जाम्पल है इंडो पैरासाइट के। एक होता है ब्रूड पैरासाइट्स, इसका एग्जाम्पल है कोयल एंड क्रो। इसमें क्या है कि जो कोयल जो है वो अपनी घोंसला खुद नहीं बनाती, वो क्या करती है अपने अंडे को क्या है कौवे की यानी क्रोज की नेस्ट में डाल देती है, और जो क्रोज है वो क्या करते हैं इस गलत फहमी में, इस कन्फ्यूजन में उसको पालती हैं कि वो उनका ही अंडा है, ठीक है। और जब बड़ा होता है वो अपने स्पीसीज में जाके मिल जाता है, यानी कि कोयल अपने स्पीसीज में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वो क्रो के ही हैबिटेट पे रह रहा है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कमेंसलिज्म, इसका एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए ऑर्चिड एंड मैंगो ब्रांच है ना। इसमें क्या है, मैंने कमेंसलिज्म का आप ये देखिए, कमेंसलिज्म का मैंने आपको क्या बताया था कि एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा ये इंट्रैक्शन है। जैसे कि ऑर्चिड ऑन मैंगो ब्रांच, ऑर्चिड को तो इससे न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैंगो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स सॉरी यहाँ पे इसको हैबिटेट मिल जा रहा है लेकिन मैंगो ब्रांच को कोई नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी तरह ब्रैंकल्स हैं, वो वेल पे रहते हैं, वेल आपने देखा होगा, वेल जो मछली है, ठीक है, वेल जो मछली है इसके ऊपर ना ये वाइट वाइट से चीज़ें जमी होती हैं, आप इसको सर्च करके देखना, तो इसी को कहते हैं ब्रैंकल्स। ये इनके इनको हैबिटेट मिल जाता है वेल्स के शरीर पर, ठीक है, और वेल्स को इसको कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, क्या होता है कि जो कैटल्स हैं इस तरह से जाती रहती हैं, मूव ऑन करती रहती हैं, उसके पीछे पीछे ना ये कैटल एग्रेट चलते हैं। कैटल एग्रेट एक तरह से पक्षी होता है ना, मैना भी होता है, ये सब क्या करते हैं, ये कैटल्स के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं, जैसे कैटल क्या करती है कि वो जो घास को खाते जाती है तो घास को वो डिस्पर्स करती है। अब डिस्पर्स करने के कारण यहाँ पे जो कीड़े अवेलेबल होते हैं इंसेक्ट, ये इनके विजुअल हो जाते हैं और वो इनको भोजन बन जाता है इंसेक्ट्स। तो इस तरह से इनको फायदा हो रहा है लेकिन इनसे जो कैटल्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द कमेंसलिज्म। और म्यूचुअलिज्म का मैंने आपको बताया था कि दोनों को फायदा हो, जैसे कि बर्ड्स एंड प्लांट्स का रिलेशन। बर्ड्स क्या करती हैं कि इनको पोलिनेशन करने में मदद करती हैं और प्लांट्स इनको न्यूट्रिएंट्स यानी फूड देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बर्ड्स एंड प्लांट्स की जो रिलेशन है, इंट्रैक्शन है, वो म्यूचुअलिज्म का है। तो ये तो हो गया पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। नेक्स्ट जो लेवल है पॉपुलेशन, हमने इंडिविजुअल देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, नेक्स्ट जो लेवल है वो कम्युनिटी का है। कम्युनिटी के बारे में हम बात करें तो जितने भी वहाँ पे स्पीसीज हैं सबको मिला के ऑल टुगेदर वो बोला जाएगा कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी किसके नाम पर रखा जाएगा, तो जो डोमिनेंट स्पीसीज होगी उसके नाम पर वो कम्युनिटी का नाम पड़ता है ना। ये भी फिक्स और रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, ये भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मे बी लार्ज और स्मॉल है ना। मेजर जैसे कि मेजर जो कम्युनिटी की बात की जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं ये। माइनर की बात करी जाए तो लीचेन और एक काउडंग, जैसे कि गाय की गोबर है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से कम्युनिटी किसकी फॉर्म कर रही है, तो ये लीचेंस जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उसकी एक कम्युनिटी फॉर्म कर दे रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना स्मॉल हो सकता है और कितना लार्ज हो सकता है। नेक्स्ट जो लेवल है वो बायोम्स का है। बायोम्स के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स है, जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, बोरियल हो गया, टुंड्रा है और पोलर है,
ठीक है। ये जो क्या है कि बायोम्स के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि दिस इज अ टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, नॉट द इक्वेटिक। इक्वेटिक को हम लोग बायोम्स नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इक्वेटिक में हम लोग कभी ट्रॉपिकल और टेम्परेट ये सब के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि अपने क्लाइमेट, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के एनिमल लाइफ और वहाँ के जनरल जो सॉयल टाइप है उसके द्वारा इसको क्लासिफाई किया जाता है। और ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया। बायोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको प्लीज़ हमारा जो लेक्चर है बायोम्स के ऊपर, जो कि क्लाइमेटोलॉजी के में हमने आपको बताया था, जो भी क्लाइमेटिक जोन बताए थे हमने क्लाइमेटोलॉजी में, वो आप क्लाइमेटोलॉजी के जो क्लाइमेटिक जोन वाले जो लेक्चर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं वो प्लीज़ जाकर देखें, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर जाकर देखें, आपको ये बायोम सारे क्लियर हो जाएंगे, जो ट्रॉपिकल टेम्परेट बोरियल वहाँ पर किस तरह के वेजिटेशन होते हैं, कितने टेम्परेचर का रेन होता है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, किस तरह से वहाँ पर एनिमल होते हैं, ये सारे मैंने उसमें बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। अलग अलग लेक्चर्स है उसका, है ना, इक्वेटोरियल रीजन का मैंने बताया है, टेम्परेट रीजन का बताया, तो सारे आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्लीज़ आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और नेक्स्ट जो लेवल है और जो लास्ट लेवल है वो बायोस्फीयर है। आपको बायोस्फीयर में ये सबसे बड़ा रीजन है। और ये क्या होता है, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, जहाँ पर एयर, लैंड और वाटर जो मिल रही हैं तो यही एक फेवरेबल लिविंग कंडीशन बनाती हैं, ठीक है ना। और इसी को जो मीटिंग जो जंक्शन है, ये जो ट्राई जंक्शन है इनका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, यानी कि डेट पार्ट ऑफ द, है ना, लैंड, जहाँ पे एयर, लैंड और वाटर तीनों अवेलेबल हो, जो कि फेवरेबल हो लिविंग कंडीशन के लिए, लाइफ के लिए, उसके हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। तो ये रहा आज का लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।